हाय यूट्यूब, आप देख रहे हैं हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट माजिद। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने जैम XAMPP कैसे इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके लिए हम सिंपली जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र में, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर जाकर हम सर्च करेंगे जैम को। कुछ इस तरह का आएगा भाई जनाब, इसकी ऑफिशियली ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी अपनी, वहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमने करना है इसको इंस्टॉल, क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड फाइल कर देगा, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और ये कुछ टाइम लेगा इंशाल्लाह, जल्द ही जल्द ये कर देगा डाउनलोड। तो ये हो रही है हमारी डाउनलोड फाइल। तो मैंने वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड करके रखी हुई है, चलिए मैं फिर भी इसी को हम लाइव ही करेंगे इंस्टॉल। इसे इसका वेट कर लेते हैं, तकरीबन जल्दी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हमारा जो है XAMPP इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे शो एंड फोल्डर करते हैं। तो जनाब यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिससे हम इसको करेंगे सिंपली इंस्टॉल, यस कर देंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद हम इसका करेंगे वेट, और कुछ इस तरह से ओपन होगा। और ये आपको कहेंगे इम्पोर्टेंट बिकॉज एंड एक्टिविटी यूजर अकाउंट कंट्रोल, ये आपने करना है सिंपली करना है ओके, और इसे करना है नेक्स्ट। और ये इसके आ गए हैं कुछ फीचर्स जो इसमें इंस्टॉल होंगे, प्रोग्राम लैंग्वेजेस PHP, MySQL और जो भी सर्वर वगैरह हैं, और फिर एक सेकेंड में वेब सर्विलाइजर जो भी PHP एडमिन, इसको सिंपली करें नेक्स्ट। और सेलेक्ट अ फोल्डर, जिससे आप फोल्डर सेलेक्ट करके वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे आप लोकेशन देना चाहें तो जैसे लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, हम सिंपली इसके करेंगे नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और यहाँ से भी नेक्स्ट, और इसका हम तलकस करेंगे वेट इंस्टॉल होने का। तो उसके बाद हम आगे आपको मज़ीद इसका फीचर्स वगैरह भी थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये बेसिकली यूज़ होता है वर्डप्रेस में, जोमला में, और देगर विक्स जो आजकल आई है उसमें, ये आजकल काफ़ी चलता है। इजी इंस्टॉल, APAC डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स ये दिखा रहा है। तो ये देखें bitnami फॉर एग्जाम्पल, और इसने कहा लर्न मोर, आप लर्न कर सकते हैं। सुबह क्लिक करेंगे, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हुआ तो आपको ये वेबसाइट पर ले जाएगा। तो ये अनपैकिंग और ये इंस्टॉल होगा सिंपली। तो हम वेट कर लेते हैं, इसलिए हम वीडियो करेंगे पॉज। तो व्यूअर्स देखें, कुछ हमारा 75% हो चुका है, और इसने हमसे डिमांड किया है हम इसे कर दें अलाउ। तो हम इसे कर देंगे सिंपली अलाउ एसेस, और जैसे हम अलाउ करेंगे तो डू यू वांट टू स्टार्ट दी कंट्रोल पैनल नाउ, तो सिंपली हम इसके करेंगे फिनिश। और अभी हम इसे, अगर आप इंग्लिश में हैं और जर्मनी में हैं तो लैंग्वेज जो सेलेक्ट करना चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम करेंगे इसको सेव, और इसके बाद ये कुछ इस तरह का व्यू दिखाएगा हमें, इसमें ये है कुछ, और ये हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये उसने कुछ दे दिया है APAC में, और क्या एडमिन, और इसका जो भी इस तरह कुछ उसने सेटिंग वगैरह दे दी हैं, और हम इसे कॉन्फ़िग करना चाहें ब्राउज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें वो दे देता है। और इसमें ये लॉग्स कुछ कुछ फंक्शन है, और ये नेट स्टॉल, और ये कुछ सॉकेट्स जो चल रही हैं इसमें सिस्टम वगैरह में, और ये IPs वगैरह एड्रेस जो इसमें शो हो रहे हैं, और ये एक्टिव सॉकेट, न्यू सॉकेट और ओल्ड सॉकेट जो भी होंगी। सब ये शेल है कुछ इस तरह का, इसने कमांड रिमोट को ओपन कर दिया, एक्सप्लोरर है इसने ये ओपन कर दिया, और ये सर्विसेज कुछ हैं इस तरह से जो दिखा रहा है इसमें जो जो सर्विसेज हैं अवेलेबल गेमिंग के लिए, और वैन के लिए, एक्सबॉक्स लाइव वगैरह एक्सेट्रा के लिए है। हेल्प बुक भी इसमें मौजूद है, आप रीड भी कर सकते हैं। और ये क्विट,
तो गाइस जो पिछला जो हमारा वीडियो था हमने उसमें ऐप इंस्टॉल कर लिया था XAMPP, तो उसमें ये था कि हम जो पोर्ट यूज़ कर रहे हैं 80 डिफ़ॉल्ट वर्जन, अगर हम इसे चेंज करते हैं 80 को तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये जो HTTPD कॉन्फ़िगर है इसको क्लिक करते हैं तो हम चेंज करते हैं अपना पोर्ट अपाची में जाकर। इधर ये आता है लिसन, तो हम इसको 80 तो फर्ज करें हम इसे ले लेते हैं 80 ले देते हैं, और इसको भी हम करते हैं 80 80, और इसे हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव। अब हम करेंगे इसको क्लोज, और इसको हम करेंगे स्टॉप, और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा पोर्ट है देखें 80 80 पर रन कर रहा है। तो हम तो इसको देखेंगे डिफ़ॉल्ट पे ही फ़िलहाल, और आप जो पोर्ट एंटर करेंगे वो इधर से आप इसे कर सकते हैं 80 80 को, और इधर भी 80 80, कंट्रोल एस, और ये दोबारा हमारा डिफ़ॉल्ट पर आ चुका है। स्टार्ट करते हैं और देखें दोबारा 80 पर आ चुका है। अब हमने जाना है सिंपली अपने वेब ब्राउज़र में चेक करने के लिए कि ओके है कि नहीं ओके, तो ये हम इधर एंटर करेंगे लोकल होस्ट, और ये कुछ इस तरह का आ जाएगा लोकल होस्ट को सर्च करते हैं। देखें हमें डैशबोर्ड मिल गया है XAMPP का, तो ये पेज हमें शो करता है कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक ही है। अब मैं एक आपको जरूर दिखाऊंगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा PHP माई एडमिन पर तो ये हमें दे देगा एरर। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने इसको अभी तक ऑन ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया PHP माई एडमिन को। हम जाएंगे सिंपली इसके ऊपर, और इसको मैं करता हूँ MySQL ना, ये देखें इधर आपको दे रहा है MySQL सेड नो कनेक्शन, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसको सिंपली अलाउ एक्सेस करेंगे तो ये हमारा इसी पोर्ट के ऊपर 80 के ऊपर ये रन कर चुका है। तो मैं इसे करता हूँ सिंपली रिफ्रेश, तो भी जरूर देखिएगा ये रन कर जाएगा। तो ये हमें देखें डैशबोर्ड हमें दिखा चुका है अपने PHP माई एडमिन का। तो अभी हमने अगर फर्ज करें और जो हमारा पोर्ट ये वाला है, हमारा ये 80 प्रॉब्लम कर रहा है पोर्ट 80, हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं 80 80, जैसे मैंने पहले किया था लेट्स सपोज 80 80, और इसको भी हम करते हैं 80 80, कंट्रोल एस सेव, और इसको हम करते हैं एक दफ़ा क्लोज, स्टॉप करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पोर्ट हमारी इधर 80 80 शो हो गई। अब मैं इसे करूँगा दोबारा, ये तो है ना 80 का, अब मैं लोकल होस्ट दोबारा सर्च करता हूँ, इसको टाइप करता हूँ, तो देखें हमें दे देगा एरर। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने जो पोर्ट अब डिफ़ॉल्ट थी वो थी 80, हमने 80 80 कर दी, तो हमें इधर टाइप करना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश 80 80। तो अभी देखिएगा ओपन हो जाएगा, नहीं हमारा जो पोर्ट है वो, तो गाइस हम सिंपली देख रहा है डिफ़ॉल्ट पर मैं आपको दिखा के करवा दूँ। तो देखें हम इसको देते हैं डिफ़ॉल्ट पर 80, और ये भी 80, और कंट्रोल एस से सेव, और हम इसे अभी कर देंगे स्टॉप, और अगेन कर देंगे स्टार्ट, पोर्ट हमारा 80 आ चुका है। और अभी हम लोकल होस्ट को ही एक दफ़ा यूज़ करेंगे, और इसके दफ़ा हम PHP माई एडमिन में जाएंगे, और ये जो हमारा आगे, तो हमने जब जौन सा भी ऐप यूज़ करना होगा इसमें से फर्ज करें फाइल जिला करना है, इसको भी स्टार्ट करते हैं, अलाउ एक्सेस करता हूँ फर्ज करें, इसलिए मैं करूँगा एक दफ़ा रिफ्रेश, और ये देखें न्यू का इसको में आ गया है, और टेस्ट करना चाहें इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल और SQL सर्च क्वेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस प्रिविलेज, और जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, सर्वर कनेक्शन और ये कुछ इसके फीचर्स वगैरह हैं, वेब सर्वर डेटाबेस है, और इधर से जो भी आप इसकी ऐप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज तक आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक, तो मिलेगा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।